सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन सार्थक्स पेट लॉग एंड गेमिंग में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में अपन लोग वापस से अपने मैंने लास्ट वाले शॉर्ट्स में बताया था कि मैं एक शार्क भी लाने वाला हूँ, क्योंकि यार उसके साथ तो एक अपना इमोशन है, तो उसे भी मैं एक इंट्रोड्यूस करने वाला था अपने एक्वेरियम में। तो मैं अभी ले आया वो अपने शार्क और एक नाइफ फिश है इसके साथ, आप ये देख सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलो अभी इनको अपन लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। मैंने एक्लिमेट कर लिया इनको, तो अभी बस अपने को इनको इंट्रोड्यूस करना है। तो एक्लिमेट होने के बाद भी अपन लोग कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए, बहुत से लोग क्या करते हैं एक्लिमेट होने के बाद डायरेक्टली डालते हैं, तो हमें वैसा नहीं करना है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। चले बढ़ते अपने वीडियो के तरफ। और गाइस, जैसे कि आपने देखा है कि मैंने अपना वाटर लेवल बहुत ही कम कर दिया है, क्योंकि मेरा पहले वाला जो वाटर लेवल था वो इतने तक तो रहता ही है नॉर्मली। मैंने पानी बहुत ही कम कर दिया है, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि यार अपना जो फिश है वापस से कोई भी फिश जम करके बाहर आ जाए, क्योंकि यार अपना शार्क भी वैसे ही जम करा था और मुझे वो वहाँ पे पड़ा हुआ मिला था, मर रहा, बहुत दुख हुआ था उस टाइम पे। तो ठीक है, तो चलो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। हम पहले क्या करेंगे, ऐसे ये ऐसे एक पॉकेट में इन्हें मैं पहले निकाल लेता हूँ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस दिखाता हूँ, तो वो दिखाने के लिए मैं अपना एक अपना कैमरा सेट करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। तो मैंने अपना कैमरा सेट कर लिया है, तो अभी मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अपने जो फिशेज है मैं अपने बकेट में निकालूँगा, आपको दिखाता हूँ। ये इतनी ईजी निकलने नहीं आता। निकल गया। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, तो मैं अभी अपने फिशेस को इस बकेट में निकालूंगा। सो दे आर इन, ओके। तो अभी क्या करना है, हमें बहुत ही इजी स्टेप है, बस ये ओके। तो अभी हमें क्या करना है, ये बस अपना टैंक का जो वाटर है थोड़ा थोड़ा करके ये इस बकेट में, कुछ नहीं, बस 5 मिनट रखने, ज़्यादा कुछ नहीं। तो अभी अपन लोग इन्हें इंट्रोड्यूस करेंगे। पहले मैं क्लाउन नाइफ फिश को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। भाई ये शार्क बहुत, ये मुझे इसका बहुत डर लग रहा है, तो पहले मैं शार्क ही इंट्रोड्यूस करूँगा। और अभी अपना नाइफ, अरे बहुत एक्टिव है, बहुत तो अभी दोनों भी इन आ गए अपने एक्वेरियम में। मैं आपको बकेट के दिखा देता हूँ, मैं शार्क भी आ गया है एक्वेरियम में, दिखा जाऊँगा मैं आपको एक अपने एक्वेरियम का क्या लुक आ रहा है लाइट में, सब दिखाऊंगा। वैसे तो अपन लोगों ने अभी इन्हें फीड नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा सेट करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ अपना एक्वेरियम क्या है। तो ये है अपना एक्वेरियम का हाल अभी। तो अभी जस्ट हमें इनको इंट्रोड्यूस करके 5 मिनट हुए, तो अभी मैं आपको कल, अभी है रात के बजे 8:15, तो मैं अभी आपको कल का दिखाऊंगा। कल सुबह 11:12 का टाइम अराउंड मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या हाल है, कैसा है आपका अपना वाटर। अभी थोड़ा सा क्लाउडी है, क्योंकि मैंने अपना सारा स्टोन एक साइड पर था अभी इससे पहले, अभी एक ही साइड पर मतलब पूरे एक्वेरियम में फैला दिया मैंने। और अभी पहले जो मैंने मेरे जो पहले जो क्लाउन नाइफ थे मैंने लाए, वो पहले एक ही जगह पे बैठे रहते थे, अभी एक दोनों, अभी तीनों चारों, तीनों आई नहीं चार नहीं, अभी तीनों यहाँ वहाँ घूम रहे हैं।
वो नहीं पता। और वो देखो मैंने वहाँ पे थोड़ा एक क्यूआर लगाया, तो उस पर भी खेलते हैं कभी कभी जाके बैठ जाते हैं। एंड इट्स आर शार्क ऑस्कर एंड ऑल द क्लाउन नाइट फिश। तो मैं अभी कोई नई फीलिंग देने वाला और लाइट भी बंद करूँगा, बस आपको दिखाने के लिए मैंने लाइट चालू करी है। तो मैं अभी आपको कल का सीन बताऊँगा कैसे दिखाऊँगा, फिर कल रात का और फिर परसों मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा। तो मिलेंगे आपको कल। सो हे गाइस, इट्स द नेक्स्ट डे और आप ये सब देख सकते हो कि सेट हो चुके हैं। अपन ने जो कल फिशेस लाए थे, ये है अपना वो शार्क, और जो पीछे वाला जो क्लाउन नाइफ है सेकेंड वाला, ये वाला जो हीटर के पास सब भी घुसरा, वो अपना कल वाला मैंने लाया था। सो अभी आज के दिन तो मैंने फीडिंग नहीं दूंगा, पर कल आज ही दूंगा, पर आज रात को दूंगा। अभी सुबह है तो मैं आपको रात का भी दिखाऊंगा क्या है। सो मैंने वही अपना नॉर्मल जो मैं पहले देता था ऑप्टिमम क्विक रेयर, वही दुनिया देने वाला हूँ। और आप शार्क को देख सकते हो यार, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हिज फीडिंग, क्योंकि यार अपना अपने पास भी एक शार्क था यार, वो आपको तो पता ही है कितना बड़ा था। ये तो उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है ब्रो, बहुत ही मतलब। ठीक है, तो अपन लोग कल में, कल नहीं, मैं आपको रात का दिखाता हूँ क्या चल रहा है। रात को जब इन्हें फीडिंग दूंगा उस टाइम का दिखाऊंगा। तो मिलते आप सभी लोग को एक थोड़ी देर में, मतलब आपके लिए तो एक ही सेकेंड होगा पर मेरे लिए कुछ घंटे। ठीक है, मिलेंगे आप सभी लोग को रात में।